कोडरमा। भाकपा जिला परिषद कोडरमा के द्वारा कोडरमा समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के पूर्व कोडरमा थाना निकट से सैकड़ों की संख्या में जुलूस निकालकर अपनी मांगों और सवाल को लेकर नारा लगाते हुए कोडरमा जिला समाहरणालय पहुंचा, जहां धरने में तब्दील हो गया। दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह तक पंचायत चुनाव करा लेने, मनरेगा योजना में सामग्री का पैसा भुगतान करने, चंदवारा प्रखंड अंतर्गत कांटी एवं मझगावा के बीच गोखाने नदी एवं पोक डंडा एवं जमकटी के बीच दूधी नदी में डीपीआर तैयार पुल का टेंडर करने, कोडरमा प्रखंड अंतर्गत लरिया डीह पंचायत को पंचायत चुनाव आरक्षण कोटा में सामान्य करने, चंदवारा अतिरिक्त पीएससी को एचपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील करने, कृषि कार्य हेतु किसानों को किरासन तेल लेने, गैरम जरुआ जमीन का रसीद निर्गत करने, जयनगर प्रखंड में अंचलाधिकारी का पद स्थापन करने आदि सवालों को लेकर धरना दिया गया। धरना के दौरान युवा नेता पुरुषोत्तम यादव की अध्यक्षता में सभा की गई। अपने अध्यक्षीय भाषण में पुरुषोत्तम यादव ने कहा कि झारखंड में पंचायत चुनाव आवश्यक है, इसे टालना दुर्भाग्य होगा। धरना को संबोधित करते हुए महादेव राम ने कहा कि लोकतंत्र में प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक कोई प्रतिनिधि अगर काम करता है या अपने पद पर बने रहता है तो यह लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। 2015 दिसंबर में पंचायत चुनाव हुआ था। कार्यकाल के अनुसार दिसंबर 2020 तक पंचायत चुनाव करा लेना था, लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना वायरस का बहाना बनाकर पंचायत चुनाव टाला गया एवं 6 माह का विस्तार किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जून 2021 में पुनः 6 माह का विस्तार किया गया। यह लोकतंत्र की हत्या है। पंचायत चुनाव की सारी तैयारियां हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी कर लिया है, इसके बावजूद भी पंचायत चुनाव टालना लोकतंत्र के गला घुटने के समान है। धरना को संबोधित करते हुए सीपीआई जिला मंत्री प्रकाश रजक ने कहा कि कोडरमा जिले में पंचायत चुनाव की सारी तैयारियां हो गई थी, मतदाता का विखंडीकरण हो चुका था, इसके बावजूद भी पंचायत चुनाव टालना जिले का दुर्भाग्य है। जिन उम्मीदवारों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया था, गांव में लोगों से मिल रहे थे, इसके बावजूद भी चुनाव नहीं कराना उन उम्मीदवारों के आशा पर पानी फिर गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संघर्ष पर विश्वास करती है, अगर चुनाव दिसंबर के अंत तक कराया नहीं गया तो पार्टी जन आंदोलन तीव्र करेगी। उन्होंने कहा कि संघर्ष के सामने किसी का नहीं चलता है। किसानों के आंदोलन के सामने जिन्होंने एक साल तक लगातार आंदोलन किया, आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार एक से एक उपाय लगाई, फिर भी किसान डटे रहे। किसानों के आंदोलन समक्ष मोदी को झुकना पड़ा। इसी तरह झारखंड में पार्टी चुनाव को लेकर जन आंदोलन करेगी, सरकार को झुकना होगा। धरने को संबोधित करते हुए महिला नेत्री सोनिया देवी ने कहा कि किसान आंदोलन देश के लोगों का आंदोलन है, प्रेरणा दिया है, इससे अब जन समस्याओं को लेकर लोग आंदोलन करेंगे। जन समस्याओं का आंदोलन में ऊर्जा रहेगा, क्योंकि किसान आंदोलन में लोगों को प्रेरित किया है। धरने के दौरान प्रमुख वीरेंद्र यादव ने कहा कि पंचायत चुनाव कराना झारखंड के आवास की मांग है। अगर पंचायत चुनाव सरकार नहीं कराती है तो राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के खिलाफ आक्रोश बढ़ेगा। धरना को अंचल मंत्री अर्जुन यादव, काली सिंह, समीम खान उर्फ बुलबुल खान, रामेश्वर चौधरी, सहदेव चौधरी, बलवा देवी, गीता देवी और सिकंदर कुमार ने भी संबोधित किया। धरने के पश्चात 9 सूत्री मांग पत्र के साथ कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सभी बिंदुओं पर संतोषजनक आश्वासन मिला। कोडरमा से आरपी भारत ब्यूरो इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद कोडरमा की ओर से जिला समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इस धरना के माध्यम से राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव वर्ष के इसी वर्ष के अंत तक कराया जाए। चूंकि एक महीना पूर्व पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने बयान दिया था कि इसी वर्ष के अंत तक पंचायत चुनाव होंगे और पंचायत चुनाव की तैयारी सारी हो गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का जितनी भी तैयारी करनी थी सारी तैयारी हो चुकी थी। गांव में माहौल बन गया था, सारे लोग उम्मीदवार गांव-गांव घर-घर घूम रहे थे अपने पक्ष में। और चुनाव का माहौल बनने के बाद में सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव टाल दिया गया, ये कह करके टाल दिया गया कि
वो सरकारी कार्यक्रम है, आपका द्वार आपका अधिकार। ये कार्यक्रम जो चला सरकार के द्वारा आयोजित है, इसके कारण ये टाल दिया गया है। हम समझते हैं कि यह टालना लोकतंत्र के लिए मखौल हो गया है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब बड़े बड़े चुनाव हो सकते हैं तो 2020 तक चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन 2020 तक पंचायत चुनाव नहीं हुआ। जब विधानसभा चुनाव हो सकता है, उप चुनाव हो सकते हैं, तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं? जबकि गांव की सरकार है, लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो ग्राम सभा का इस तरह क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है? इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इस वर्ष के अंत तक पंचायत चुनाव अविलंब कराया जाए। और आज धरना के माध्यम से हम लोग कहने आए हैं, धरना दे रहे हैं, अगर पंचायत चुनाव एक महीना के अंतर्गत घोषणा नहीं होता है तो हम लोग इस कार्यक्रम को, आंदोलन को और तीव्र करेंगे। आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद कोडरमा जिला समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना के माध्यम से झारखंड सरकार को आज हम लोग आगाह करने के लिए आए हैं कि झारखंड में पंचायत चुनाव अविलंब करावे, क्योंकि ये पंचायत चुनाव होने से गांव की सरकार बनती है, ये पंचायत की सरकार बनती है, गांव की विकास होती है। और चुनाव आयोग इसे एक तरफ कहती है कि सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और झारखंड के हेमंत सोरेन वो चुनाव कराने में भाग रहे हैं, आज हम लोग उसी आक्रोश में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण जनता की बहुत परेशानी हो रहा है। और जिस तरह हम लोग सोचे थे कि झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जो सरकार बने, हम लोग जिस तरह इन पर उम्मीद किए थे, उस तरह खरा नहीं उतर पाए और इनके उम्मीद पर पानी फिर गया। आज इतना, मतलब मुखिया चुनाव नहीं होने के कारण इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है और इतना लोगों को, गरीब गुरबा लोगों को परेशानी हो गया जो कहना नहीं है। और एक साल हो गया आज तक पंचायत चुनाव नहीं हुआ, आजकल डेट बढ़ा रहे हैं और पंचायत चुनाव नहीं कर रहे हैं। इसलिए इनको बहुत जल्दी पंचायत चुनाव कराने की जरूरत है और लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है गरीब गुरबा के साथ, वो देखने की जरूरत है। साफ करना है। और भारतीय कम्युनिस्ट मांग कर रही है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कोडरमा मांग कर रही है कि हेमंत सरकार जो झारखंड के सरकार है, हम लोगों ने बहुत उम्मीद से सोचा था कि झारखंड में विकास होगा, झारखंड में समय पर चुनाव होगा, लेकिन यह सरकार आने के बाद आप देख रहे हैं कि जब से चुनाव हुई है 2014 में, तब तक एक एक पद पर 6-6 साल तक लोग आसीन है और लग रहा है 6 साल से अधिक भी एक्सटेंशन हो गया है समय। और हमको सरकार जो अभी आपके द्वार कार्यक्रम अभी लाया है, इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि झारखंड सरकार का मनसा पूरा नहीं है। जो कागज में हम लोग देखने को मिल रहा है कि हमने चुनाव की सारी प्रक्रिया तैयार कर ली है, लेकिन हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह जो आश्वासन और चिट्ठी हम देख रहे हैं, वह सारा का सारा अधूरा पड़ा हुआ है। इसलिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आज 29/12 तक जो ठान लिया है, इससे जनता के बीच में आक्रोश है। इसी आक्रोश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मांग कर रही है कि पंचायत चुनाव अविलंब कराओ, ताकि हमारे गांव का सरकार बने। और गांव का सरकार बनेगा तो जनता का विकास होगा, गरीबों तक लाभ पहुंचेगा, जो इसका मनसा साफ नहीं रहा नहीं है। इसी आक्रोश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हेमंत सरकार से मांग कर रही है कि 2021 के अंत तक पंचायत चुनाव अविलंब कराया जाए। निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती।